जो सारे तथ्य निकल के आ रहे हैं वो ये कि ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया, उसने कभी पुल बनाया ही नहीं था ऐसा कहा जा रहा है, मैंने मीडिया में देखा, आप ही लोगों की स्टोरीज देखी। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया, पहला प्रश्न तो यही उठता है। नंबर दो, उसको बिना टेंडर किए पुल रख रखाव का, मतलब मेंटेनेंस कह रहे हैं या रिपेयर कह रहे हैं, रिपेयर का ठेका क्यों दिया गया। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि उसे किसी तरह का कभी एक्सपीरियंस नहीं था पुल रख रखाव का या पुल बनाने का, बिना टेंडर के उन लोगों को क्यों दिया गया। इसका मतलब उनके किसी ना किसी के साथ रिश्ते हैं, या तो इनके पार्टियों पार्टी के साथ रिश्ते हैं, इनके नेताओं के साथ रिश्ते हैं। तीसरी चीज ये आ रही है कि ये पुल उनको 12 महीने में या 6 7 महीने 7 8 महीने में पूरा करना था, उन्होंने 5 महीने के अंदर जल्दी से पूरा करके घटिया बना के और इसको जारी कर दिया। और अब ये जो FIR भी दर्ज हुई है, FIR के अंदर ना तो कंपनी का नाम है ना कंपनी के मालिक का नाम है, तो अभी से अस्पताल की पुताई तो अलग है लेकिन मामले की पूरी लिपाई लीपा पोती पे चालू हो गया है। उनको बचाने का, कंपनी को बचाने का और कंपनी के मालिक को बचाने का पूरा काम शुरू हो गया है। एक आरोप ये लग रहा है, ये पता करना, ये आप लोगों को पता करना पड़ेगा, मैं उनसे पूछना भी चाहता हूं कि क्या ये सच है जो आरोप लग रहा है कि उन्होंने इनकी पार्टी को चंदा दिया है और भारी चंदा दिया है, और क्या ये उसका एक तरह से वो है। तो ये सारे जवाब तो देने पड़ेंगे, इतने सारे लोगों की डेथ हो गई है, और मैं समझता हूं कि अगर 150 लोगों की एक डेथ इतने बड़े भ्रष्टाचार की वजह से हो जाए तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। गुजरात की सरकार को इस्तीफा देके तुरंत चुनाव करा देने चाहिए।